आईफोन में जासूसी का सच, विपक्ष के नेताओं के पास अलर्ट आने के बाद सियासी भूचाल, जाने डिटेल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आईफोन का नाम सुनते ही जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है कि फोन महंगा तो है लेकिन सबसे सेफ है। कहते हैं कि आईफोन सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता, लेकिन मंगलवार 31 अक्टूबर को सूर्योदय के साथ ही विपक्ष के नेताओं ने जो आरोप लगाए उसने देश ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने आरोप लगाए कि सरकार उनके फोन को हैक करवा रही है और यह आरोप उस अलर्ट के आधार पर लगाया जा रहा है जो खुद एप्पल ने भेजा है। तो अलर्ट या अटैक, क्या है आईफोन में जासूसी का सच, जानिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष के नेता सरकार से पूछ रहे सवाल। एप्पल ने जो अलर्ट जारी किया है उसके बाद तो हिंदुस्तान के हर आईफोन उपभोक्ता के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि वाकई आईफोन की सिक्योरिटी से समझौता हो सकता है। मंगलवार सुबह तो एक के बाद एक तमाम विपक्षी नेताओं के ट्वीट हड़कंप मचाने लगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर, इन सब ने दावा किया कि उनके फोन को हैक किया जा रहा है। मामले पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, क्या किसी बीजेपी के सांसद ने कहा कि मेरी जासूसी हो रही है? सिर्फ विपक्ष के नेताओं की जासूसी क्यों की जा रही है? क्या डर है सरकार को? एप्पल कंपनी की तरफ से आए इस अलर्ट मैसेज के बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बाकायदा बड़े बड़े फॉन्ट में प्रिंट आउट छपवा कर आए थे ताकि मीडिया को दिखा सके कि एप्पल ने अपने अलर्ट में क्या भेजा है। आईफोन अलर्ट मैसेज में क्या, आईफोन उपभोक्ता को भेजे अलर्ट मैसेज में कहा, एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की ओर से निशाना बनाया जा रहा है जो आपकी रजिस्टर्ड एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहा है। ये अटैकर्स आपको निशाना, आपकी पहचान या आपके काम की वजह से बना रहे हैं। इतना ही नहीं, एप्पल की तरफ से आए इस अलर्ट में ये भी बताया गया है कि अगर आपके फोन के साथ छेड़छाड़ हुई है तो क्या हुआ होगा। अलर्ट में कहा गया है कि अगर आपके डिवाइस के साथ किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक द्वारा छेड़छाड़ की गई है तो वो आपके संवेदनशील डाटा, बातचीत और यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि ये संभव है कि अलार्म गलत हो, फिर भी कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।